ड्राई और कड़क है, इसने तो मेरा मुंह सच में ड्राई कर दिया, फिर भी ये टेस्टी है। ये बहुत ही टेस्टी। ताकि आप भी पेट भर खाएं। हाँ, थैंक यू। क्लोवर किंगडम का एक नोबल एक छोटे से गांव के चर्च में आकर शकरकंदी खरीद पाए ताकि चर्च के सभी बच्चे रोज सुबह शाम पेट भर के खाना खा पाए। वो तो ठीक है, क्या है, वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है यूनो, हमें बहुत अच्छा लगा। तुमने जो भी किया वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, और ये बात सिर्फ हाँ, और उसने भी काफी ज्यादा भेजे हैं। जैसे ही मुझे अगले महीने की सैलरी मिलेगी मैं पूरी की पूरी भेज दूंगा। हाँ, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे लगता है हमें निकलना चाहिए। पर क्यों इतनी जल्दी किस बात की, हम थोड़ी देर तो यहाँ रुक सकते हैं ना। ओह, ये तो खत्म हो गया, मैं लेकर आती हूँ। मैं जाता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। सर, आप तो जेंटलमैन हो। हाँ, पर ये सब तो मैं बिना सोचे समझे कर देता हूँ, और असली नोबलमैन भी यही करता है, समझे। क्या हुआ? जिन्होंने हम पर हमला किया था, ये नहीं हो सकता। मैंने सिस्टर लिली को रोब दिया था ताकि उन्हें ठंड ना लगे। लगता है उन्हें लगा उस रोब में मैं हूँ तो वो सिस्टर लिली को करो। मैं उन्हें वापस ले आऊंगा। मैं भी चलूंगा। हाँ, मैं भी। नहीं पता वो वापस कब आएंगे। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? और सिस्टर लिली, इस काम को यहाँ के लोकल लोगों पर छोड़ दो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। चलो अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलते हैं। चल, मुझे सिस्टर लिली को बचाना है। रुक जाओ। मूवी में फर्क होता है, यू नो। इसे मेरा नाम पता है। अब मैं तुम्हें इसका फर्क। अब बस चार और। पता चल गया कि तुम में दिमाग तो है। अब अभी बताता हूँ। किसका जवाब दो? तीन तो गए, अब बस दो बाकी हैं। मुझे पता है तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी सुंदर सिस्टर का चेहरा जल जाए, क्यों? यू नो, इतनी छोटी उम्र में भी तुम्हें अच्छी तरह मैजिक करना तो आ गया है। अगर चलो अब काम की बात करते हैं। तुम तो जानते हो तुम उस क्रिम वॉर के बगैर कुछ नहीं। ऐसा करो कि तुम्हें शायद अपने स्क्वाड से जरूर निकाल देंगे। तो तुम्हें ये चाहिए। ये नहीं होगा। क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? अगर मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो तुम्हें लगता मेमोसा, अगर मैं नहीं आता तो तुम यहाँ अकेले क्या कर लेते? यू नो, आप यहाँ आए ही क्यों? यू नो, तुम मुझे वो सब सालिम के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे थे। तुम्हें क्या लगता है कि एक नोबल ऐसे गांव में आ, जब तुम सिस्टर लिली को बचाने गए थे तब हमने सालिम सर पे मैजिक स्पेल्स किए, मेरा प्लांट क्रिएशन मैजिक फ्लावर ऑफ ट्रूथ, इसे उगल दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ढूंढा कैसे? इसके लिए मेमोसा को थैंक्स बोलो। शुक्र है आप दोनों वक्त पे आ गए, मुझे मदद की जरूरत थी। थैंक यू क्लाउस, मेमोसा तुम्हें भी। तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए था कि ये लड़का कितना होनहार है। थैंक यू सर। तो कुछ भी हुआ वो इस बेवकूफ की वजह से हुआ, लेकिन अब करना क्या है? इसे अपने साथ कैपिटल टाउन ले चलें? बस इतनी ही शर्तें हैं हमारी, हमें दोबारा सोचने पर मजबूर मत करना और फिर से ये गलती मत करना। अपनी हद में रहो, जो किया उसके लिए पछतावा होना चाहिए, ये बात तुम पे भी लागू होती है। Yes, ma'am. आ,
कुछ भी हो मजा पर बात कर रहे हैं आपको। चिल्ला क्यों रहे हो? आपको मेरे साथ चलना ही होगा, अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। सबको थैंक यू, मिमोसा क्लाउस आप दोनों को भी थैंक यू। बस बस और मत बोलो, हमें पता चल गया है ये सब। परफेक्ट। क्यों, जो मुझे अपने पहले मिशन पर ही स्टार मिला। वैसे सच कहूं तो मैंने कुछ इतना खास काम नहीं किया है। तुम्हें खास नहीं। एक बात बताइए सर, क्या आपको लगा था कि इस मिशन का अंत इस तरह से होगा? बुरे काम और बेईमानी को क्लोवर किंगडम में बख्शा नहीं। नए रिक्रूट्स की बात है, वेल ये दोनों काबिल तो है। होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन यू नो आज के बाद ऐसे अकेले मत जाना। हाँ। कोर्ट को भी एक स्टार मिला? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हम सब इंसान ही हैं ना? मुझे तो लगा था कि हम सिर्फ 100 स्टार्स से -30 पर हैं। हम सब इंसान ही हैं ना? अब तुम चुप भी करो। हम जल्द ही उनके करीब पहुंच जाएंगे, वो बस 101 स्टार्स ही आगे। माफ कीजिएगा सर, पर एक इमरजेंसी है। मुझे पता है क्या। किरण खोने लगी थी, लेकिन तभी एक महान जादूगर योद्धा ने उसका सामना किया। देखिए सब कुछ है। आस्था और यूनो को बचपन में ही एक छोटे से गल के हुए तब उन्हें अपनी ग्रिम वॉर्स मिली, एक ऐसी बुक जो मैजिक को और बढ़ाती है। फिर इन दोनों ने मैजिक नाइट्स का आने के बाद यूनो को गोल्डन डॉन स्क्वाड में शामिल होने का मौका मिला, और दूसरी ओर आस्था, दोनों लड़के निकल पड़े अपनी राह पर और पूरा करने विजर्ड किंग बनने का अपना सपना। भूकंप आ रहा है क्या? ओह, ये जमीन से क्या निकल गया? मुझे पता है क्या बात है। रुको, शांत हो जाओ मार्क्स, ये काम करने के लिए इससे बढ़िया वक्त नहीं हो। ओह चलो ना, फाइट करते हैं। अगर नहीं माने तो तुम्हारा खाना खा लूंगा। अगर मेरे खाने को हाथ। वाइन कैसा है? कितना क्यूट सा नाम है, वाइन चलेगा? हम इसे बुलाएंगे मैग्नम फायर। बकवास है। सच में तुम्हारा टेस्ट जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं। ये अंडे भी देता है क्या? वैसे बड़ी बॉय कैसा रहेगा? तुम्हें भी सिल्वान टिश्नोजर पसंद आया है ना? बोलो। हाँ नेरो, अच्छा सुनो, एक जरूरी बात करनी है। मारने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी वहाँ जाकर उन कीमती मैजिकल आइटम्स का गलत फायदा ना उठाए। वैसे वो मजेदार आ सकते हो। अब मुझे इस तरह मत घूरो, ये फैसला मेरा नहीं विजर्ड किंग का है। समझोगे? थैंक यू सो मच सर। Unless in luck, the rookies are your responsibility, so look after them. Yeah, don't worry. Oh, hi, sir. हाँ, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जब तक तुम तीनों डंजन में रहोगे, मैं सोच रहा हूँ कुछ लड़कियों को डेट कराता हूँ। हाँ? हाँ? सर बहुत अच्छा दिखता है, और एक बात बताना तो भूल ही गया, सनसेट डेट के लिए जगह बहुत अच्छी है। जब तुम लोग वापस आ जाओगे मैं केक रेडी रखूंगी। जिनके सामने भी छोड़ सकते थे ना? नहीं सॉरी, फिनरल हमें सिर्फ वहीं छोड़ सकता है जहाँ वो खुद पहले। अरे बस की नहीं, दरअसल विजिट किंग वो देखते हैं जो को बहुत दूर हो। मैं दिमाग नहीं खाती अगर तुम इकलौता लैंप नहीं तोड़ते तो। कमार कहीं के। मैंने नहीं तोड़ा सब्जी, वो इसलिए टूटा क्योंकि तुम मुझ पर गिरी। वाओ। मैंने इससे ज्यादा सुंदर जगह आज तक नहीं देखी। मैंने भी इतने मैजिक से भरी जगह कहीं नहीं देखी। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या मुझे भी मैजिक को फील करना है, बल्कि मुझे तो अपना खुद का मैजिक चाहिए। तुम जानते भी हो तुम रॉयल्स कितने खुशकिस्मत हो। वो क्या ये ट्रैप मैजिक है? ए
जरा ये तो देखो आस्था, यहाँ देखो। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। देखो एक और है। अब ये लो। तुम दोनों के बच्चों का खेल नहीं है, पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। मुझे पता है वो तीनों ऐसे मिशन पर हैं जो बहुत ये रॉयल्स भी नहीं। उसकी डिफेक्टिव पर्सनालिटी के बावजूद सभी स्क्वाड्स उसे अपनी टीम में लेना चाहते हैं। इसीलिए विज़र्ड किंग की जुबान पर तुम्हारा नाम रहता है। कुछ सालों में मैं तुम्हारे साथ एक बैटल लड़ना चाहूंगा, बस एक बात का कष्ट नहीं वाला हूँ। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मौजूद है यहाँ पर। लाइटनिंग क्रिएशन मैजिक। तो एकदम टॉप लेवल लॉन्ग है। उम्मीद है मुझे अच्छी और टफ फाइट मिले। ये जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो आस्था। ये डंजन मेरे लिए एक मामूली चीज है। मेरा पुराना दोस्त है, हम दोनों हार्श विलेज में एक साथ बड़े हुए। हम दोनों ने इसी साल साथ में मैजिक एंट्रेंस एग्जाम दिया, मैं आया। कुछ भी कहो, इस गंवार के सपने तो बड़े हैं। अब चलो यहाँ से चलते हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, गवार कहीं के। ये तो बहुत पावरफुल है। ये सही नहीं। ओ हाँ, एक और बात। क्या कैप्टन? वो दोनों बच्चे वहां पर अकेले नहीं होंगे, वहां पर गोट और इसी के साथ